अडानी की इस भविष्यवाणी ने भारत को ही नहीं दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत। ग्लोबल जीडीपी का 20% होगा भारत के पास। और भी बहुत कुछ, 700% बढ़ जाएगी प्रति व्यक्ति की आय। अडानी के इन धमाकों ने चीन से लेकर अमेरिका तक को हिला दिया। तो ये थी भारत की ताकत, जिससे डर रहे थे सभी देश। इसलिए हर एक मुद्दा होने लगा है भारत का समर्थन। फ्रांस ने मचा दिया यूएन में तहलका, बोला अगर भारत नहीं तो कुछ नहीं। भारत के लिए ऋषि सुनक की हुंकार के बाद अब जागा है फ्रांस, कर दी है यूएन में भारत को लेकर बड़ी बात। आइए दोस्तों अपनी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां अडानी की भविष्यवाणी हर एक भारतवासी से चीख चीख कर बहुत कुछ कह रही है। और अडानी की कही इस जरूरी बात को हर एक भारतीय को जानना चाहिए। वहीं इसके बाद दूसरी खबर में बताएंगे कि आखिर फ्रांस ने यूएन में भारत के लिए कौन सा बड़ा कदम उठाया है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, और इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है वो भी बताएंगे। तो दोस्तों, वर्ष 2050 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। गौतम अडानी ने कहा है कि अगले दशक यानी कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था ऊंचाइयों को छुएगी, यह दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी ग्रोथ अगर बनी रही तो साल 2050 तक भारत की इकोनॉमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, जब वैश्विक जीडीपी में अकेले 20% की हिस्सेदारी भारत की होगी। दोस्तों आपको बता दें कि गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति ने मुंबई में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 को संबोधित किया और अपने देश को लेकर जो धुआंधार वादे किए उसको सुनकर एक एक भारतवासी उछल रहा होगा। उन्होंने कहा कि साल 2050 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। उस वक्त तक वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 20% से अधिक होने की संभावना है, मतलब दुनिया का 20% भारत के पास होगा। उन्होंने कहा कि देश का सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसमें अगले दशक में हर 12 से 18 महीने में $1 ट्रिलियन बढ़ेगा, मतलब हर 10 साल में एक साल के बाद $1 ट्रिलियन बढ़ेगा। जरा सोचिए ये कितनी बड़ी सफलता है। अभी भारत $5 ट्रिलियन पार करने के लिए जूझ रहा है, जिसको सालों से टारगेट बनाया गया है। अडानी ने खुद उम्मीद जताई है कि वैश्विक जीडीपी यानी कि ग्लोबल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 2050 तक कम से कम 20% से अधिक होने की संभावना है। इसके साथ साथ अडानी ने बहुत बड़ी बात कही कि 2050 में भारत की औसत आयु केवल 38 वर्ष होगी, जबकि 1.6 बिलियन की आबादी की प्रति व्यक्ति सालाना औसत आय $16,000 हो सकती है, जो कि वर्तमान की प्रति व्यक्ति आय से करीब 700% अधिक होगी। मतलब हर एक भारतीय आज की तुलना में 700% ज्यादा अमीर होगा, और तब भारत सबको पीछे छोड़ चुका होगा। अडानी ने कहा कि भारत ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में 58 साल लगा दिए, जबकि अगले 2 ट्रिलियन पार करने में 12 साल लगे, जबकि तीसरे ट्रिलियन को भारत ने 5 साल में ही पूरा कर लिया। गौतम अडानी ने कहा कि इसी तरह से अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ बनी रही तो 2050 में भारत दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। इसके साथ ही भारत के शेयर मार्केट कैपिटल 45 ट्रिलियन के आसपास पहुंचेगी। अडानी की इस बात ने हम सबको उछलने पर मजबूर कर दिया है। अडानी ने कहा कि 2021 में भारत में हर 9 दिन में एक यूनिकॉर्न कंपनी का इजाफा हुआ, मतलब हर दिन एक नई कंपनी यूनिकॉर्न बनी, मतलब 8,000 करोड़ के आंकड़े को पार किया। इस साल भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक 48 बिलियन रियल टाइम लेन देन हुआ। ये अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी के कुल लेन देन के आंकड़े से 6 गुना अधिक है। मतलब इस मामले में भी भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इतना तेजी से बढ़ रहा है कि दूर दूर तक अमेरिका जैसे देश दिखाई भी नहीं दे रहे। अडानी ने कहा कि इस वर्ष वेंचर कैपिटल फंडिंग $50 बिलियन से अधिक हो जाएगी और 8 वर्षों में इसमें 50 गुना की तेजी आएगी। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 में अडानी ने रिन्यूएबल एनर्जी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के साथ सोलर और ग्रीन एनर्जी का संयोजन भविष्य के लिए एक बड़ा अवसर होगा। मतलब अडानी जान चुके हैं कि अब भारत को किस तरफ ले जाना है। उन्होंने कहा कि 2050 तक भारत शुद्ध ग्रीन एनर्जी का निर्यातक देश बन जाएगा। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। इस दिशा में भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सराहना की। अडानी ने कहा कि 2 दशक से अधिक समय के बाद हमारे पास ऐसा अवसर है जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, जिसने देश में कई संरचनात्मक सुधार किए हैं। वैसे भी अभी नारायण मूर्ति ने भी मोदी सरकार की तारीफ की थी और कहा था कि ये सरकार व्यापार के लिए बहुत मददगार साबित हुई और यही एक क्षेत्र है जो आज भारत की गरीबी को दूर कर सकता है।
इसके साथ साथ भारत की पुरानी साख यही क्षेत्र लौटा सकता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई अडानी की बातें, लेकिन अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको ये भारत की 2050 वाली छवि अभी से देखने को मिल रही है या नहीं। बेशक भारत 2050 तक सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है और इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। भारत अभी हर क्षेत्र में सबको पीछे छोड़ता जा रहा है। अगर बात करें 2050 की, तो शायद अडानी ने गलती से नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बता दी होगी। भारत उस समय सर्वोच्च शिखर पर होगा, ऐसा शिखर जिसे ये देश केवल देख पाएंगे। अब आइए दोस्तों, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के निर्माण के लिए भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील को लेकर अपना समर्थन दोहराया। यूएन में फ्रांस के प्रतिनिधि ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद में सुधार और यूएनएससी की वार्षिक बहस को संबोधित करते हुए कहा कि फ्रांस स्थायी सीट के लिए स्थायी सदस्य के रूप में जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। फ्रांस से पहले ब्रिटेन ने भी यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत को अपना समर्थन दिया था। आपको बता दें कि लगातार भारत को मिलते समर्थन भारत की स्थिति को मजबूत बनाते हैं, जिससे यूएन मजबूर होकर भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्य बना सके। यूएन में ब्रिटेन के राजदूत ने कहा कि भारत जर्मनी, जापान और ब्राजील के लिए स्थायी सीटों और साथ ही परिषद में स्थायी अफ्रीकी प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं। भारत के स्थायी सदस्य न होने की वजह से यूएन कमजोर हो रहा है। ब्रिटेन ने कहा कि हम सदस्यता की गैर स्थायी कैटेगरी के विस्तार का भी समर्थन करते हैं, जिससे सुरक्षा परिषद की कुल सदस्यता 20 के दशक के मध्य में कहीं और बढ़ जाती है। उन्होंने इस दौरान अफ्रीकन कंट्रीज को भी आगे आने और जिम्मेदारी को उठाने का आह्वान किया। इससे अफ्रीका के देश जो ज्यादा पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में मौजूदा समय में केवल 5 स्थायी सदस्य हैं। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। वैश्विक आबादी, अर्थव्यवस्था और नई भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए काफी समय से स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने की मांग की जाती रही। भारत काफी समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग उठाता रहा है। अब कई यूरोपीय देशों ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिस तरह भारत को लगातार बड़े बड़े देशों का समर्थन मिलता चला जा रहा है, उस तरह क्या भारत जल्द ही स्थायी सदस्य बन जाएगा? क्योंकि एक ड्रैगन नाम का शनि है जो भारत के भाग्य में कुंडली मार कर बैठा है। भारत को आगे आने वाले दिनों में अपने विकास के साथ इन दुश्मनों की चालों से भी बचकर रहना होगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।